हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि जेसीबी का जो बूम जो होता है उससे उसका जो बॉकेट से बॉकेट मोड़ करके उसे जो ठोकता जो है उसे कैसे ठोका जाता है, और बूम ऑपरेट करने का मैं इन्फॉर्मेशन बहुत ही सारा वीडियो मैं बना चुका हूँ। बूम कैसे ऑपरेट किया जाता है इसका मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ। तो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो चैनल पर जाके विजिट कीजिए, आपको प्रत्येक वह वीडियो मिल जाएगा। और काफ़ी अच्छा व्यूज भी लाया है, जो 5 लाख 6 लाख के आसपास व्यूज भी है उस वीडियो का। तो गाइज, आज का इस वीडियो टॉपिक होने वाला है जो बूम से जो कहीं पे अगर मिट्टी अगर दबाना रहता है तो बूम से उसे ठोका कैसे जाता है, यानी जाता कैसे जाता है बकेट से, कैसे उसको ठोका जाता है, इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हो कि ये दोनों लीवर है, और इसी लीवर से जो बूम जो है अपना जो इसे ऑपरेट किया जाता है ये भी मैं बताया हूँ। तो गाइज, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि इस बूम का जो बॉकेट जो है ऐसे करके इसे मिट्टी को कैसे ठोका जाता है, इसके बारे में आज हम बताएंगे। और आप लोगों को सीखने का बिल्कुल मौका मिल जाएगा कि कैसे बूम से उसको ठोका जाता है, कोई सा भी मिट्टी को या कोई सा भी जैसे ईंट पत्थर या कुछ भी उसे ऐसे तोड़ा जाता है ऐसे ठोक ठोक के, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ इस लीवर का। आपको तो इतना तो पता है कि इस बोल्ट पे जो करते हो, इस बोल्ट पे ऐसे करते हो तो बूम ऐसे उठता है, और इसी के सीधा इस बोल्ट पे करते हो ऐसे तो बूम जो है नीचे जाता है। ठीक है, इतना तो ध्यान में रखना है। और इसका तो आपको पता है कि यहाँ से आप डीपर देख सकते हो, जो डीपर जो है इससे डीपर नीचे आता है, इतना पता है, और इससे ऊपर जाता है। तो गाइस, चलिए मशीन को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बताते हैं। मशीन, आप जैसे ही मशीन को स्टार्ट कर दिए, अब आपको करना क्या होगा गाइस, इसे ठोकने का मैं बता रहा हूँ। आप देख सकते हो बूम को ऐसे फैला देना है, जैसे ही आप इसको फैला दोगे आपको यहाँ पर ऐसे रख दिए। ठीक है, यहाँ पर मिट्टी को रख देते हैं, पहले मिट्टी कटिंग करके ऐसे रख देते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं इसको अगर ठोकना है तो आपको क्या करना होगा, आपको तो पता ही है कि इसको अगर आगे करते हैं, इसको आगे करते तो बूम नीचे जाएगा। ठीक है गाइज, तो इसको आरपीएम बढ़ा लेना है, 15-16 RPM कर देना है। उसके बाद इसको आप इसको ऐसे उठाना है, इस बॉल पे करते तो उठता है और इस आगे करते तो नीचे होता है, तो इसके हिसाब से आपको काम करना है। इसको ऐसे ठोकना है, देख सकते हो ऐसे नीचे देना है, देख सकते हो ऐसे ठोकना है, देख सकते हो ऊपर से ऐसे ठोका जाता है, देख सकते हो, थोड़ा ध्यान से देखना, देख सकते हो। ये वाले बोल्ट को आप नीचे करते हो तो नीचे जोर से पटकेगा, जैसे आपको यहाँ से लीवर को जोर से अगर पटकते हो तो जोर से पटकेगा, देखो देख सकते हो गाइज, देखो जोर से पटक रहा है। ठीक है, और इसी को आपको आगे करना है, पटकते पटकते इसको हल्के हल्के हाथ को आगे लाना है, ऐसे पटकना है, ऐसे पटकना है, ऐसे देख सकते हो। और इसी में जैसे बूम से आप चाहोगे इसको लेवल करते खींचते लेके आऊँ प्लेन करते हुए, तो आपको करना कुछ नहीं है, ऐसे इस लेवल में आपको बॉकेट को रख लेना है इस लेवल में, ताकि दांत ना लगे। और उसके बाद इसको आपको धीरे 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 ऐसे खींचना है, देख सकते हो गाइज प्लेन हो चुका है, देख सकते हो कैसे लेवल हो चुका है। और उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हो गाइज, इसको इस तरीके से इसको ऐसे लेवल किया जाता है। ठीक है गाइज, देख सकते हो प्लेन है। और जैसे ही आप अगर इसको फिर से अगर ठोकना चाहते हो, मैं फिर से बता दूँ, इसको अगर ऐसे अगर ठोकना है इस मिट्टी को ऐसे, तो देख सकते हो इसको ऐसे पटकना है गाइज, देख सकते हो इस हाथ को आगे जाने देना है, और इस हाथ को ये जो लीवर जो है लेफ्ट लीवर को आगे पटकना है ऐसे ऐसे, और ये जो हाथ जो है इसको नीचे करना है जो डीपर वहाँ से, ताकि एक साथ दोनों चोट पहुँचे, देख सकते हो गाइज ऐसे दोनों लीवर पे दिखाना, देख सकते हो ऐसे ऐसे पटकना है। इसके हिसाब से आप अगर कहीं पे जाते हो तो आप, जैसा कि गाइज मैं अभी बताया हूँ कि बूम से कैसे कोई भी चीज़ जैसे ठोका जाता है, जैसे आप वहाँ पे अगर कच्चा मिट्टी रहता है और वहाँ पे जैसे मिट्टी में बड़ा बड़ा दला होता है उसको कैसे तोड़ा जाता है, यानी कहीं पे पत्थर तोड़ना रहता है, कुछ भी तोड़ना रहता है कुछ भी, तो कैसे आप बूम को पटक पटक के तोड़ोगे, इसके बारे में मैं फुल नॉलेज दिया हूँ। तो
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करता हूँ सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। गाइस जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एंड गुड बाय। मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय।